गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिन कॉर्नेल। और आज आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो आज मैं व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मैं किधर जाने भी वाली हूँ और मनकू से आज मिलने वाली हूँ। मनकू मेरा फेवरेट भतीजा, प्यारा लड्डू पारा। और कभी कभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ा डिस्टेंस में भी अच्छे लगते हैं। तो यू कैन गेट व्हाट आई मीन। अभी मैं नहाने जा रही हूँ फटाफट। आज मुझे बैडमिंटन करते करते हल्का सा लग गया है, तो ना दर्द नहीं दे रहा है, पर हाँ अभी मैं कुछ ज़्यादा आज के दिन उसको आराम ही दूंगी। बट मुझे इधर उधर जाना ही है तो आराम देना इतना पॉसिबल नहीं होगा। आई ट्राई माई बेस्ट। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये भी लग गई है आज, लग गिर दे है, गिर पड़े लगे दे। गाइस मैं गई थी किसी काम से बाहर साइन, और फिर हम लोग एक्चुअली मैं अपना ही मिरर में फेस देख के बता रही हूँ। मुझे लगा कोई अम्मू शायद पीछे से मुझे रिकॉर्ड कर रही है, समथिंग लाइक दैट, डोंट नो व्हाई। तो मैं गई थी साइन कुछ काम से, जो काम हो गया एंड मुझे बिल्कुल व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला और मैं गिर गई थोड़ा। मैंने शायद बताया होगा, आई डोंट रिमेम्बर सुबह, पर मैं गिर गई बैडमिंटन कोर्ट पे। देखो मुझे ये लगी है और मेरे पैर पे भी हल्की लगी। अभी बेटर, अभी ठीक है, पर जब मुझे लगी थी ना तो फॉर वन आवर आई वॉज फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ अ वाइब्रेशन इन माई लेग, और मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज गोइंग टू पेन मच मोर आफ्टर फ्यू आवर्स, बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है कि मेरे साथ हो चुका है। एक बार मुझे हाथ पे लगी थी एंड आई वॉज फीलिंग लिटल लाइक वाइब्रेटेड कि मेरा हाथ है ना पूरा, एक होती है ना झनझन झनझन झन ऐसा ऐसा फील हो रहा था। एंड टू आवर्स के बाद मुझे जो दर्द शुरू हुआ, तीन चार दिन आई वॉज इन पेन। तो ऐसा ही आई थॉट कि मेरे पैर के साथ होगा, बट अभी टच छोड़ कुछ नहीं हुआ है एंड आई होप ना होए बिकॉज आई डोंट वॉन्ट पेन। और मैं ना मटर रानी हूँ आप बोल सकते हो। तो क्या होता है ना कि वो एक कहानी अगर सबने सुनी होगी कि एक बहुत ही नाजुक राजकुमारी थी जिसको ना एक मटर के दाने के ऊपर 10 गद्दे लगा के भी सुला दो तो वो मटर का दाना उनको चुभ जाता था। हम काइंड ऑफ लाइक दैट, मुझे चुभता कुछ ऐसा नहीं है पर मैं गिरती पड़ती रहती हूँ। मैं गिर पड़ के कभी बीमार हो जाती हूँ तो दो तीन हफ्ते में पड़ जाती हूँ। आई एम लाइक आई एम नो मोर, ऐसी वाइब आ ही जाती है जो नहीं आनी चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई। लाइक मैं बहुत गिरती हूँ और कभी अगर पड़ गई मैं तो हफ्ता 10 दिन तो बोलो ही मत, वो होगा ही। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में ये बोला था कि मैं अपना रैकेट बताऊंगी, तो मैं अभी आपको अपना रैकेट बताती हूँ। अब मैं गिर तो गई हूँ तो शुभ आरंभ कर ही दूँ, रैकेट का दिखा ही दूँ कि रैकेट कैसा है। लेट्स सी। तो ये है मेरा बैडमिंटन रैकेट जो मैंने लिया था वो तवा पुलाव के बाद, क्योंकि बिकॉज दैट वॉज तवा पुलाव रैकेट, तवा ऑमलेट। तो वन रैकेट लुक्स लाइक अ ऑमलेट एंड वन रैकेट लुक्स लाइक अ तवा और सम काइंड ऑफ स्पैचुला। तो ये है नैनो रे योनेक्स का, मैंने नैनो रे लिया है। मैं आपको ओपन करके भी बताती हूँ इसको। तो ये मैंने अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब के एकदम सामने यूनिक्स की शॉप पे, यूनिक्स की ही शॉप है। तो शिट, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ रैकेट का। आज मैं गिरी ना तो मैंने रैकेट को नहीं गिरने दिया, मैं खुद, मुझे लगा मैं लगे ही चलेगा, पर रैकेट है एक्सपेंसिव।
तो ये मैंने ग्रिप भी लगवाई, ग्रिप मैंने खरीदी अलग से, क्योंकि ग्रिप लगानी पड़ती है व्हेन यू प्ले, यू नीड गुड ग्रिप, वरना इशू हो जाती है बैक हैंड फोर हैंड पे बहुत ज़्यादा। तो ये है नैनो रे लाइट 18i। इस पे ना मैं फोकस करने की कोशिश कर रही, हो ही नहीं रहा है मेरे, रुको एक सेकेंड। हाँ तो इधर लिखा हुआ है नैनो रे लाइट 18i योनिक्स का, और ये रैकेट मैंने लिया है अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब के सामने योनिक्स की शॉप से, आप भी उधर जाके ले सकते हो, आप इससे सस्ता भी ले सकते हो, बट आई डोंट वांट। ओह शिट, मेरा रैकेट, उसको कुछ हुआ नहीं पर वो हल्का सा नीचे गिर गया, विच इज़ नॉट, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ मेरे रैकेट का। और आप है ना इसे सस्ता वाला भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है महंगा ही लेना है, बट मेरा इशू ये है कि मैं जो इंसान हूँ ना, मैं बहुत लेज़ी हूँ, तो मुझे चाहिए था मैं एक ही बार ये लूँ और ये बहुत दिन तक चल जाए, इसके लिए मैंने एक ही बार लिया। सस्ता वाला क्या हो जाता है कि आप ट्रेनिंग, अब मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ विथ नेट, फिर वो जो शॉर्ट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपको पावर लगाना होता है ट्रेनिंग में। नॉर्मल बैडमिंटन में आपको इतनी पावर नहीं लगती है जितनी ट्रेनिंग में लगती है, आप जब हर एक शॉट सीखते हो, फुटवर्क सीखते हो, शॉट मारते हो एंड एवरीथिंग, और आपको आपके ऊपर शटल्स फेंके जाते हैं कि आप ये शॉट मारना सीखो, तो इसमें बहुत पावर लगती है। यू नीड गुड रैकेट, वरना नहीं होगा। और आप अगर नॉर्मली खेलते हो बिल्डिंग में, आप मतलब इतने ज़्यादा शॉट्स नहीं मारते, पावर नहीं लगाते, आप नेट के बिना, कोर्ट के बिना खेलते हो, देन यू कैन बाय एनी रैकेट। मेरा इसके लिए था, मैं बहुत लेजी इंसान हूँ, मैं बार बार जाके रैकेट नहीं खरीद सकती, और फिर कौन सा खरीदना है, फिर इतनी सारी चॉइसेस में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है नेक्स्ट लेवल का। तो और आप इसको अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हो, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो अमेज़ॉन पे भी रेट अच्छा होता है। मेरा तो रैकेट का तवा पुलाव बन गया था, और मुझे दूसरे दिन ट्रेनिंग क्लास में जाना था, तो इसके लिए मैंने ले लिया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वरना आप अमेज़ॉन पे भी लो, आपको अच्छा रेट मिलता है अमेज़ॉन पे, तो यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। शटल्स भी आप ले सकते हो, शटल्स कौन सी लेनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, पर हाँ रैकेट अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो किसी से और कोर्ट पे खेलते हो आप, तो यू नीड अ गुड रैकेट, नीड अ गुड रैकेट, चाहिए ही चाहिए, नो एक्सक्यूजेस। वरना आप नॉर्मली बिल्डिंग के नीचे नीचे खेलते हो तो यू कैन बाय एनी 500-600 वाला रैकेट, ये एक सिंगल रैकेट है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट यू नीड अ गुड रैकेट फॉर ट्रेनिंग। गाइस आज का व्लॉग अभी इतना ही, मैंने आपको मेरा रैकेट बता दिया है, इन नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैं अपने स्पोर्ट्स बैग में क्या क्या लेके जाती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो अभी के लिए व्लॉग इतना ही, मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग किया ही नहीं, बिकॉज आई ऑलवेज फॉरगेट, आई डोंट नो व्हाई मैं भूल ही जाती हूँ व्लॉग करना, मुझे अभी पहले ना एक आदत लगानी पड़ेगी, एटलीस्ट आई थिंक मुझे 300-400 व्लॉग्स करूँगी ना, उसके बाद एक आदत लगेगी, आई नीड टू व्लॉग दिस, ना मेरा बुद्धू दिमाग भूल ही जाता है। और एक्चुअली गाइस सिचुएशन भी ऐसी थी ना कि उधर आप व्लॉग नहीं कर सकते थे कुछ कुछ जगह, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं गई थी दैट वॉज अ, तो मैं नहीं बताना चाहती, इट्स लिटल पर्सनल, बट हाँ वो सिचुएशन ऐसी थी। अब पर तो भी मैंने उसके बाद हम लोग बनाना लीव करे थे टू ईट, और उधर एक अच्छा रोस्टेड उत्तपम, रोस्टेड गार्लिक उत्तपम खाया विच वॉज अमेजिंग, तो वो भी नहीं बताया मैंने क्योंकि मेरा दिमाग भूल ही जाता है। और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू व्लॉग नेक्स्ट टाइम, टू सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।